सेजिटेरियो ये एक ऐसा बेबलेड है जिसको आपने बेबलेड मेटल फ्यूजन के एकदम फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट में ही आपने देखा होगा। लिटरली जब भी मैं सोचता हूँ कि अब मैं सोल ब्लेड्स का बैक स्टोरी या फिर सारे सोलर सिस्टम बेबलेड्स के बैक स्टोरी पे वीडियो बनाऊंगा, तभी आप लोग कमेंट करने लगते हो, नहीं भाई हमें सेजिटेरियो का वीडियो देखना है, सेजिटेरियो का वीडियो देखना है, सेजिटेरियो का वीडियो देखना है। जो बेबलेड एक प्रेजेंट में बनाया हुआ बेबलेड है जिसका कोई अच्छा खासा बैक स्टोरी है भी नहीं, बैक स्टोरी होगा भी कैसे क्योंकि वो तो प्रेजेंट में बना है ना, उसकी बैक स्टोरी देखने के लिए आप लोग इतने पागल हो चुके हो कि मैं क्या ही बताऊं। लिटरली एक बेबलेड क्या लेजेंडरी बेबलेड ही बन गया, उसकी बैक स्टोरी देखने के लिए आप लोग इतना पागल हो गए। सीरियसली प्रीवियस वीडियो में मैंने ओरायन का बैक स्टोरी पे वीडियो बनाया था, मैंने सोचा था आप ओरायन के बारे में कुछ कमेंट करोगे, मेरा फैनमेड बैक स्टोरी कैसा लगा कुछ बोलोगे, नहीं आप लोग लाइव चैट पे भी आप लोगों ने कहा सेजिटेरियो सेजिटेरियो कमेंट किया, कमेंट्स में भी सेजिटेरियो स्पैम कर दिया। मैंने पूल भी रखा था लेकिन पूल में तो बस इतने ही वोट से, इससे ज्यादा तो मैं कहूंगा मेरे लाइव चैट एंड कमेंट में अगर टोटल सेजिटेरियो का कमेंट में रीड करूं ना 1500 से भी ज्यादा कमेंट्स निकल के आएंगे। सो जी हाँ गाइस, आपके इतने स्पैमिंग की वजह से मेरे को जबरदस्ती सेजिटेरियो की बैक स्टोरी बनानी पड़ रही है। तो जिन्होंने भी सेजिटेरियो का बैक स्टोरी मेरे को रिकमेंड किया था, इस वीडियो को अगर फुल नहीं देखे ना तो देखना तुम्हारे आने वाले 2 दिन अनलक ही जाएंगे। तो चलिए और ज्यादा रायुगा का पीछा ना करके अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इस वीडियो को मैं कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, इस वीडियो में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने पहले भी लियोन के वीडियो में दे चुका हूँ। तो अगर आपने लियोन का वीडियो नहीं देखा है तो जाके अभी देख के आइए, क्योंकि मैं लियोन के वीडियो में जो एक पार्ट बताया था उस पार्ट को ही मेरे को यहाँ पर वापस दोहराना होगा, तो मैं ये करना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि आप लियोन के वीडियो पहले देख के आइए, लियोन की बैक स्टोरी ज्यादा नहीं यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, इतना ही देख के आइए, उसके बाद सेजिटेरियो का वीडियो देखिए तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और अगर आपने लियोन का वीडियो अभी भी नहीं देखा है तो गाइस इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, लिव कर दीजिए, मत देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। पहले आप लियोन का वीडियो इतना तक देख के आइए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ऑब्वियसली प्रीमियर होने के बाद जो बंदे देखेंगे मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं बता दूं, सेजिटेरियो एक समर कॉन्स्टेलेशन बेबलेड है कॉन्स्टेलेशन सेजिटेरियस से। सो आई होप कि मैंने अभी जो बोला आपके सिर के बिल्कुल ऊपर से गया होगा, क्योंकि हर किसी को तो एस्ट्रोनॉमी इतना पसंद नहीं है ना, इसीलिए। सो आपको बहुत टाइम दे दिया, अगर आपने लियोन की वीडियो देख के आ चुके हैं तो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि बेबलेड मेटल फ्यूजन के एपिसोड 48 में हमको झिंगा के पापा ने कहा था कि गैलेक्सी पेगासस से स्टॉर्म पेगासस बना है, उसके बाद धीरे धीरे सारे प्रेजेंट के बेबलेड बने हैं, जो कि मैंने लियोन के वीडियो में भी कहा है और आपने देख के भी आया है। तो जैसे कि हमको उस एपिसोड में एक चेन दिखाया गया था, पहले यहाँ पर गैलेक्सी पेगासस जो कि धुंधला है, उसके बाद स्टॉर्म पेगासस के नीचे यहाँ पर आपको लियोन और डार्क वुल्फ दिख रहा है। सो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लियोन कैसे बना था, और मैं लियोन की बैक स्टोरी के वीडियो में भी आपको बता दे चुका हूँ। तो ऐसे चेन सिस्टम में बेबलेड्स बने थे पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। ऐसे ही लियोन के नीचे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेजिटेरियो बेबलेड भी दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये रहा सेजिटेरियो बेबलेड। तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि वैसे चेन आते 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 ऐसे सेजिटेरियो भी ऐसे ही बना है लियोन से। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैंने पहले भी बोला है कि लियोन की वीडियो भाई देख के आओ तो आपको ये पार्ट और भी अच्छे से समझ आएगा कि सेजिटेरियो कैसे बना है। और अब बात आती है यहाँ पर कि केंटा को सेजिटेरियो मिला कैसे। तो ऑब्वियसली ये बात भी ऐसी होगी लियोन की तरह कि केंटा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ही केंटा को सेजिटेरियो दिया है। तो मैं लियोन के थ्योरी के हिसाब से कह सकता हूँ कि उसके पेरेंट्स ने ही केंटा को सेजिटेरियो बेबलेड्स दिया है। देने के बाद शुरुआत में तो केंटा उतना भी कुछ ताकतवर ब्लेडर नहीं था, लेकिन उसको मेटल फ्यूजन के फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट में ही उसको दिखाया जाता है। भाई मेटल सीरीज और ये जो सेजिटेरियो बेबलेड है इन दोनों का क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन फ्यूरी के फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में जो बेबलेड दिखाया गया था वो भी सेजिटेरियो ही था। इट वॉज एन अमेजिंग फैक्ट। तो अब हम आ जाते हैं केंटा पर। तो केंटा को सेजिटेरियो मिलने के बाद वो अच्छे से तो कर लेता था बेबलेडिंग, लेकिन उस बेबलेड में आई थिंक स्पिरिट जैसे पावर्स नहीं थे। उसके बाद आपको तो पता ही होगा अगर आपने मेटल फ्यूजन सीरीज देखी है कि मेडोका ने उसको एक और फेस बोल्ड दिया था, जिस फेस बोल्ड के सेजिटेरियो पे लगाने के बाद वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद वो स्पिरिट टाइप अटैक्स भी करने लगा, और उसके बाद केंटा ने अपना स्पेशल मूव भी बनाया था। अब बेबलेड मेटल फ्यूजन के सीरीज में फ्लेम सेजिटेरियो ने जो बेबलेड का स्पेशल मूव सीखा था उसका नाम था फ्लेम
क्लॉ। और मेटल फ्यूजन के एंड तक जाते जाते केंटा शुरुआत से तो बहुत ही अच्छा ब्लेडर बन ही गया था। उसके बाद मेटल मास्टर्स के सीरीज में तो भाई केंटा गैनगैन गैलेक्सी में ज्वाइन कर ही नहीं पाया, उल्टा मासामुने आ गया, यू आ गए एंड सुबासा ने ज्वाइन कर लिया गैनगैन गैलेक्सी का टीम। केंटा तो को मौका ही नहीं मिला उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे सीरीज में केंटा को हमें ठीक से दिखाया नहीं गया, इसका मतलब यह नहीं कि उसने बेब्लेडिंग की ट्रेनिंग नहीं, उसने ट्रेनिंग की है, बहुत ही अच्छी खासी ट्रेनिंग की है उसने। बेब्लेड मेटल मास्टर्स के एपिसोड 19 में केंटा ने जब मासामुने के साथ मुकाबला किया था फिर से, तब केंटा ने कहा था कि मैं तुम्हारे मैचेस, जो वर्ल्ड चैंपियन टूर्नामेंट तुम खेलते हो, मैं तुम्हारे मैचेस देखता हूँ एंड प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ और बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, ऐसे करके मैं पहले से ज्यादा और स्ट्रांग हो पाया हूँ। तो ये बोल के वो मासामुने के साथ मैच करता है और अच्छी टक्कर देता है। तो इसके बाद अब समझ गए होंगे कि केंटा ऐसे घर में बैठा नहीं था, वो मैच देखता भी था और प्रैक्टिस भी अच्छा खासा करता था मेटल मास्टर्स के सीरीज में। एंड एक और फैक्ट तो ये है कि मेटल मास्टर्स के सीरीज में केंटा ने कोई न्यू स्पेशल मूव नहीं बनाया। सो ये हो गई मेटल मास्टर्स की बात। अब आते हैं मेबल मेटल फ्यूरी पे। तो फ्यूरी में जो केंटा का इम्प्रूवमेंट है वो सिर्फ इतना ही नहीं, वो हाई लेवल है, हाई लेवल भी नहीं, वो बहुत ही हाई लेवल इम्प्रूवमेंट है, ऑब्वियसली जितना आपने एनिमे में देखा है। सो बेब्लेड मेटल फ्यूरी की स्टोरी के हिसाब से झिंगा एंड यूकी, रायुगा, कियोया सबको स्टार फ्रेगमेंट मिल जाते हैं लेकिन केंटा को नहीं मिलता, इसलिए केंटा बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि केंटा लेजेंडरी बेब्लेडर नहीं बन पाया इसलिए उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड केंटा समझता है कि नहीं, मैं अगर झिंगा और कियोया के साथ रहूँगा तो उनके लिए मैं बस एक बोझ बन के रह जाऊँगा। तब केंटा ने ठान ली कि नहीं, मुझे को इम्प्रूव करना है तो करना ही है, तो इसलिए केंटा अकेला चला गया और चला गया रायुगा को मनाने। समझो, जो बंदा बेब्लेड मेटल फ्यूजन के फर्स्ट एपिसोड में बेनके से डर के ऐसे गिर गया था, रो रहा था, वो चला गया रायुगा का पीछा करने। समझ रहे हो, इतना हिम्मत है तुम्हारी। अब रायुगा का पीछा करते करते उसने जितने भी अपने इम्प्रूवमेंट किए हैं वो बहुत ही हाई लेवल है, उसने बहुत ही हाई लेवल की प्रैक्टिस की जैसे रायुगा करता है। मेरे हिसाब से रायुगा को मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम करना चाहिए, बियर ग्रिल्स को हटा देना चाहिए। अब अगर केंटा भी रायुगा का पीछा करे और उसके जैसा ही होने का कोशिश करे तो वो एंड तक तो बियर ग्रिल्स हो ही जाएगा ना। तो बेब्लेड मेटल फ्यूरी के सीरीज में केंटा के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, रायुगा जैसे रास्तों से जाता है, जैसे अकेला सर्वाइव करता है, केंटा भी उतने मुश्किल कठिनाई रास्ता से पार करके कैसे भी सर्वाइव करके। एक सर्वाइव का आपको एग्जांपल देता हूँ, शेर देख के ही नारियल के पेड़ में चढ़ जाना। जोक सपाट छोड़ो इसको। सुहा कहाँ थे हम, केंटा रायुगा के साथ सफर करते टाइम केंटा अपना एक न्यू स्पेशल मूव बनाता है, जिस स्पेशल मूव का नाम है ड्राइविंग क्लॉ। और ये स्पेशल मूव तो भाई जेंगा को भी भारी पड़ने वाला था अगर केंटा उसको सही से मैनेज कर लेता, और ये रायुगा को भी भारी पड़ा था, रायुगा के फेसबॉल में एक क्रैक कर दिया था इसी स्पेशल मूव के जरिए केंटा ने। भाई अब केंटा के बारे में आप लोगों ने इतना कुछ सुन लिया, अब जरा मेटल फ्यूजन सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के केंटा और अब के केंटा को कंपेयर करके देखो, खुद कंपेयर करके देखो भाई कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है उसका। रायुगा के बेब्लेड में से क्रैक, वो भी एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर में, जो एक स्टार फ्रेगमेंट से इवॉल्व हुआ एक लेजेंडरी बेब्लेड है समर कॉन्स्टेलेशन का, कमाल है यार। ये भी कम है, असली बात तो इसके बाद आने वाला है। तो उसके बाद बिना इवॉल्व एक बेब्लेड, एक नॉर्मल बेब्लेड सेजिटेरियो को लेके केंटा नेमेसिस के सामने खड़ा हो गया। अगर आप लोगों ने आई थिंक बेब्लेड मेटल फ्यूरी का 36 एपिसोड अगर आप लोगों ने देखा है तो आपका भी मतलब खड़ा हो गया था घूस बम्स कि भाई इतना वीक ब्लेडर दे रायुगा के लिए नेमेसिस के सामने भी खड़ा हो गया। एंड उसी चीज को देखते ही बेहोश रायुगा भी खड़ा हो गया एंड उसको अपना स्टार फ्रेगमेंट का पावर दे दिया, जिसको देने के बाद केंटा का सेजिटेरियो इवॉल्व हो गया एंड इवॉल्व होके बन गया फ्लैश सेजिटेरियो। अब फ्लैश सेजिटेरियो के पास क्लॉज नहीं थे इसलिए वो फ्लेम क्लॉज जैसे अटैक्स नहीं कर पाते या फिर डाइविंग क्लॉज जैसे अटैक्स भी नहीं कर पाते। सो क्योंकि उसके पास और क्लॉज नहीं थे इसलिए केंटा ने अपना एक फिर से स्पेशल मूव बनाया जिसका नाम था ड्राइविंग एरो। एंड इस स्पेशल मूव ने फ्यूजन हेडीज को तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे एंड कुछ टाइम के लिए रागो को भी टेंशन में ला दिया था, भाई ये कैसा बेब्लेड है। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं हर बार सीरियस वीडियोस बनाता हूँ सीरियस होके, लेकिन इस बार थोड़ा कॉमेडी टोन में बनाने की कोशिश किया हूँ। आई नो कि बिल्कुल बेकार वीडियो बना है ये, लेकिन सेजिटेरियो फैंस के लिए जो मेरे को रिकमेंड कर रहे थे उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल वरदान के समान था आई थिंक। तो गाइज पसंद आया तो लाइक कर दो यार, लाइक एम है 1K लाइक्स का, जल्दी से लाइक एम कंप्लीट कर दो। इस बार कमेंट का भी एम
में रखते हैं। चलो 500 कमेंट का एम है, 500 कमेंट भी कंप्लीट कर दो जल्दी से जल्दी, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नई बेवलेट की बैक स्टोरी के वीडियो के साथ। वो अब तो चलिए गाइस, चलता हूँ अब, ज्यादा देर रहने का मन भी नहीं कर रहा। तो बाय बाय।